असल वरहत लबरक आप देख रहे हैं अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ग़ुलाम नबी मदनी आज उन्नीस जनवरी दो हज़ार तेईस है और आज दिन है जुमेरात का इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुतक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं नसी काम अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया कायम है अफगान तालिबान की हकूमत को सत्रह महीने मुकम्मल हो चुके हैं अफगान तालिबान की हकूमत ने अफगानिस्तान के अंदर इनकलाब बरपा कर दिया है तमाम शोबों के अंदर यानी कोई एक शोबा नहीं है जिसमें इनकलाब हो तमाम शोबों के अंदर इनकलाब बरपा है और तमाम शोबों में चेंजिंग आ रही है तब्दीलियाँ आ रही हैं मसल नाजरिकस्तान की मीशत को अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की मीशत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और अफगानिस्तान के अंदर नए कारखाने नई फैक्ट्रियाँ खुली हैं अरबों डॉलर की नए सरमाकारी हुई है मुल्क के अंदर पाए जाने वाला जो मादनियात का जखीरा है उसे निकाल कर दुनिया की मंडियों तक लाया जा रहा है जिसका फ़ायदा अफगानिस्तान की आवाम को हो रहा है कोई सूबा कोई शहर ऐसा नहीं है कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पर तालिबान ने जो माशी तरक्याती प्रोजेक्ट हैं वो शुरू ना किए हों हर जगह पर सड़कें बन रही हैं हॉस्पिटल बन रहे हैं स्कूल्स बन रहे हैं यहाँ तक के नासिकाम डैम बन रहे हैं नहरें बन रही हैं और किसानों को फ़ायदा दिया जा रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें अमन अमान की तो अमन अमान के हवाले से रिकॉर्ड तालिबान को तरक्याँ मिली हैं तकरीबन अस्सी फ़ीसद से ज़्यादा जराइम जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं मुजरम तालिबान के हाथों मारे गए हैं या फिर सरेंडर हो गए हैं बगावत को ख़त्म कर दिया गया है खाना जंगे को ख़त्म कर दिया गया है तो ये तालिबान की बड़ी अचीवमेंट्स हैं इसी तरह से तालिबान अगर खारजा महाज की बात करें तो दुनिया की पाबंदियाँ हैं लेकिन उसके बावजूद तालिबान जीत रहे हैं दुनिया के पच्चीस से ज्यादा मुल्क तालिबान से तजारत जारी रखे हुए हैं और उस तरह के तलुकत हैं जैसे एक तस्लीम शुदा मुल्क के साथ होते हैं तो खारजा महाज पर भी तालिबान को कामयाबी मिली है इसी तरह से हकूमती इदारे जो बंद थे उनको फ़ाल किया गया है नए इदारे बनाए गए हैं और साफ़ और शफाफ़ जो निज़ाम हकूमत है वो चलाया जा रहा है तालिबान ने करप्शन को ख़त्म कर दिया है रिश्वत को ख़त्म कर दिया है आज अफ़गानिस्तान में कोई भी सरकारी काम रिश्वत के साथ नहीं होता है रिश्वत के बग़ैर होता है और इसी तरह से किसी भी शोबे में कोई करप्शन नहीं है और इंसाफ का ऐसा निज़ाम है के नासन कराम जो मुजरम हैं वो तालिबान के निज़ाम इंसाफ़ को देख कर डर गए हैं वो अब जुर्म नहीं करते हैं कई ऐसे वाक़ात हो चुके हैं कि चोरों ने चोरी की लेकिन पता चला कि तालिबान की पुलिस या फौज आ रही है तो भाग गए और उसी वक्त चोरी शुदा जो सामान है वो भी छोड़ कर चले गए तो हर शोबे के अंदर इनकलाबालिबान ने बरपा कर दिया है लेकिन अकवा मुत सलामती कौंसल और इंसानी हकूक़ के नाम नहाद इदारे और इसी तरह से अमरीका और मगरबी ताकतें वो अब भी मजिद हैं कि तालिबान की हकूमतें अफगानिस्तान को तबाह कर रही हैं यानी वो अफगानिस्तान जहाँ रोज़ाना हमले होते थे जहाँ रोज़ाना लोग मारे जाते थे वो अफगानिस्तान ठीक था और वो अफगानिस्तान जहाँ पर रोज़ाना कोई हमला नहीं होता कोई कत्ल वारतगिरी नहीं होती जहाँ पर सुकून ही सुकून है इनकलाब ही इनकलाब है वो अफगानिस्तान ग़लत है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बदयानत कौन है और असल मुजरम कौन है और असल दुश्मन कौन है अफगानिस्तान के लोगों का भारत राजराम तालिबान के ख़िलाफ़ मख्त तरह के प्रोपिगेंडे हैं सलामती कौंसल के अंदर करारदादें हैं अ मुतदा के ज़रिए से करारदादें सामने आ रही हैं तालिबान अपने मुल्क के अंदर लड़कियों पर औरतों पर जुल्म कर रहे हैं उनको पढ़ने नहीं देते हैं उनको नौकरियाँ नहीं देते हैं तालिबान अपने मुखालफन पर जुल्म करते, है, करते हैं उन्हें कत्ल करते हैं वगैरह वगैरह बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नाजून कलम ना तो अफ़गानिस्तान के लोगों को पता है और ना ही अफगानिस्तान में होती हैं फिर भी तालिबान के ख़िलाफ़ हैं तो अवहदा को तालिबान ने जवाब दिया कि हम आपके मामला में मुदाखलत नहीं करते हैं तो आप भी हमारे मामलों में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं हाँ अगर आप यहाँ पर फलाही काम जारी रखना चाहते हैं एन जी ओज़ चलाना चाहते हैं लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो हम आपको वेलकम करेंगे लेकिन आप हमें डिकटेट नहीं कर सकते हैं तालिबान से मुतलबा सबसे बड़ा यही यानी सारी बातों का ख़ुलासा एक ही है कि तुम अपने शहरी निज़ाम से दस्तरदार हो जाओ कुरान सुन्नत का जो इस्लामिक सिस्टम है तुम इसे खत्म कर दो लेकिन अफगान तलिबान कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे हम ऐसा नहीं होने देंगे हमारी कुर्बानी हमारी मेहनत सिर्फ़ इसी इस्लामिक सिस्टम के लिए है तो हम अल्लाह के दिन को निज़ाम को नहीं छोड़ सकते हैं बहरसुन करामिबान इस्लामी निज़ाम को कायम भी रखे हुए हैं और इस्लामी हदूद का यानी हदूद्ल्लाजरा भी हो रहा है तज़ीरत भी दी जा रही हैं यानी सज़ाएँ भी दी जा रही हैं और लड़कियों के मामले पर तालिबान कहते हैं कि हम एजुकेशन के इदारे खोलेंगे लेकिन जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करके और इसी तरह से ये जो प्रोपेगेंडा है कि तालिबान औरतों को लड़कियों को काम नहीं करने देते ये सरासर झूठ है अफगानिस्तान में औरतें ताजर भी हैं दुकानें भी खोल रही हैं और इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर औरतों को लड़कियों को मुख्तु शोबों में तालिबान की जानब से नौकरियाँ भी दी जा रही हैं अब अकवा मुतहदा तालिबान के सामने मजबूर है और तालिबान से रबते करने पर जो कोशिशें हैं वो भी तेज़ हो चुकी हैं चनाचे मेरे सामने इस वक्त अफगानिस्तान के वजारत खारजा के जो तर्जुमान हैंद्दुलहार बलखी उनकी ये रिपोर्ट है कि अवत्य की जनरल असम्बली की जो डेप्टी हैं खातून जिनका नाम अमीना मोहम्मद है ये एक अकोम मुतहदा के बड़े डेलीगेशन के हमरा अफगानिस्तान आई है और इसने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के मुख्त ऑफिशल से मुलाकातें की हैं अफगान तलिबान के वज़ी खारजा से इनकी मुलाकात हुई है अफगान तलिबान के जो नायब वज़ी अजम हैं मुला अब हनफी उन से इनकी मुलाकात हुई है अको मुतह ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से मुतालबा किया है कि वो जो मसाइल हैं उनको हल करें लेकिन दूसरी तरफ अफगान तलिबान ने कहा है अको मुतह के डेलीगेशन को कि हम अपने मुल्क के अंदर हर तरह के मसले जो आवाम के मसले हैं उनके हल की कोशिश कर रहे हैं और हमने अपने मुल्क के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की है जो मनशियात के आदि लोग हैं उनके लिए सेंटर खोले हैं और हम हर शोबे के अंदर ताउन कर रहे हैं लोगों की खिदमत कर रहे हैं और अक्वा मुतदा अगर हमारी आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए तामीर नो के लिए हिस्सा ले सकती है तो हम वेलकम करेंगे लेकिन हमारे दीनी मामलों में अकायद में और हकूमती निज़ाम में मदाखलत की इजाज़त नहीं होगी साथ उन्होंने ये भी कहा कि दस मिलियन के करीब जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कूल हैं वो भी एक्टिव किए गए हैं सिक्योरिटी और अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर है लिहाजा ऐसी बातें नहीं हैं जो कि दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अको मुतह से अपील करते हैं कि हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ और हमारे खिलाफ जो मुख्तलिफ़ तरह के जो हमारे ऊपर मुख्तलफ तरह के जो इल्ज़ाम हैं उनको बेबुनियाद इल्ज़ाम उनको भी हटाया जाए और इसी तरह से हमारे असासे बहाल किए जाएँ और हमें दुनिया से तजारत करने की इजाज़त दी जाए ये अफगान तालिबान के वजी खारजा ने अकवा मुतह की खातून को कहा है और यही बात दीकर जो तालिबान के रहनुमा हैं उन्होंने कहा है एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे खबर यह है कि मगरबी दुनिया ने तालिबान पर इल्ज़ाम की बुझाड़ कर दी है कि तालिबान ने दोहा महदा तोड़ दिए है तालिबान ने दोहा महदा जो दो हज़ार उन्नीस में अमरीका और यूरोप और मगरब के साथ किया था उस पर अमल नहीं कर रहे हैं उसको तोड़ दिया है लिहाजा अब अमरीका और यूरोप दोहादे की पाबंदी के जो पाबंदी के ज़िम्मेदार नहीं है यानी वो भी पाबंदी नहीं करेंगे दोहा माहे क्या था दोहादे के अंदर अमरीका और नेटो की फ़ौजों को पुरान तरीके से अफगानिस्तान से निकलने के लिए रास्ता देना था और तालिबान की हकूमत को तस्लीम करना था और तालिबान को ये कहा गया था कि वो मगरब और यूरप की बातें मानेंगे यानी मुल्क के अंदर अपने मुखालफन को भी हकूमत में शामिल करेंगे और इसी तरह से मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें लाएंगे कि जो अको मुतहदा और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुआफ़ होंगी मुखालिफ नहीं होंगी तो चूँकि तालिबान पापुलर हो रहे हैं क्योंकि तालिबान डेमोक्रेसी के मुकाबले में ताकतवर इस्लामिक सिस्टम बना चुके हैं तो इसलिए इल्ज़ाम है कि तालिबान ने दोहा महदा तोड़ दिया है अमरीका और यूरोप सिलसिले में बदला लेगा ये धमकी नाजन कराम सामने आई है जो मुख्तलफ है मगरबी जरा अबलाक पर मेरे सामने इस वक्त वॉइस ऑफ पशत वॉइस ऑफ अमेरिका का जो पशतो चैनल है उसकी ये खबर मौजूद है कि मग़रब के जो इदारे हैं वो ये समझते हैं कि तालिबान दोहादे पर अमल नहीं कर रहे हैं और इस तवील तफसील रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि अब तालिबान पर अटैक करना ज़रूरी है तो साजिशें ज़रूर हैं तालिबान की हकूत को गिराने के लिए लेकिन तालिबान की हूमत को गिराना इतना आसान नहीं है अब बात करेंगे नाजीन कराम एक अफसोसनाकबर की खबर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर बर्फ़ का तूफान आया हुआ है खौफनाक सर्दी की लहर है जिसके नतीजे में तकरीबन सत्तर के करीब लोग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जँ बहाक हो गए हैं जबकि नाजी ग्राम दो सौ के करीब लोग जख्मी हुए हैं इस हवाले से अफ़ग़ान तलिबान की जो इमारत इस्लामिया है उन्होंने बाकायदा ताज़ियत की है कि मुल्क के बाद सूबों में शदीद सर्दी की वजह से मुतद शहरी जहाँ बहाक हुए हैं इमारत इस्लामिया हम वतनों के दुख दर्द में बराबर की शरीक है शुहदा के लिए जन्तलफरदौस की दुआ करती है और जख्मियों की हर तरह से मदद की जा रही है तालिबान की जो फोर्स के पास जंगी जहाज़ हैं हेलीकॉप्टर हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं में अफानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी डिवेपमेंट थी अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं मजीद इस तरह की मालूमत और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल अफगानस्तान उर्दू से फॉलो कर लें इजाजत दीजिए असलम वरमि वरक